खबर मध्य प्रदेश से है जहां मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के अब आहट तेज हो गई ही। चुनाव आयोग के द्वारा आदेश जारी किए गए रहा कि 3 साल एक जगह में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का उनके जगह से हटावा जाए। जोने कल के अब बेहद बड़ा मामला सामने आवा है कि 320 तहसीलदारन का हटावे के बात सामने आई रही, किंतु अब सरकारें यह बात कह रही है कि फर्क नहीं पड़ता है, इनका हम ना हटाओ। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीश तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के। जो ने अपना पंचायत को बता दी, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी तैयारी पूरी हो गई, परंतु राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदार के तबादला नहीं किए गए। पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते बावजूद एक मनीष रस्तोगी IAS एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र लिख के कहा गया है कि तहसीलदार के तबादला आवश्यक न हो चाहिए। अपना पंचक बता दी, मनीष रस्तोगी IAS एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र लिख के कहा गया है कि यदि पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के पालन किया गया तो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला में पदस्थ 40% मतलब लगभग 320 से ज्यादा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार प्रभावित हुई। अत्यधिक संख्या में ट्रांसफर होने के कारण जिला के स्थानीय प्रशासन में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। प्रमुख सचिव के द्वारा दलील दी गई ही कि स्थानीय पंचायत के निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हुए और स्थानीय नगरी निकाय में चुनाव में आचार संहिता सिर्फ नगरी निकाय तक सीमित रहा थी। तहसीलदारन और नायब तहसीलदारन के जिला के बाहर स्थानांतरण किन जाब आवश्यक न हो चाहिए। यह मामला मां बड़ा प्रश्न यह है कि तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का प्रभावित कर सका थे अथवा नहीं। यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्व क्षेत्र तहसीलदार के अधिकार में होते, उनके पहुंच और पकड़ प्रत्येक ग्राम तक होती। कौनों गांव के प्रभावशाली व्यक्ति अथवा पंचायत चुनाव में संभावित उम्मीदवारन के साथ तहसीलदारन के व्यक्तिगत संबंध हो सका थे। अपना प्रोजेक्ट बता दी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सभी विभागन में तबादला हो गए तो पिछले 3 साल या इससे अधिक समय में राजस्व विभाग के तहसीलदारन के तबादला काय नहीं हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यह साल तबादला खितिर स्वतंत्रता पर प्रदान की गई रही। कहो ऐसा तो नहीं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रभावित करे की रणनीति पहले से बनाई ली गई रही। प्रमुख सचिव के यह पत्र यह रणनीति के हिस्सा है। मध्य प्रदेश के जो यह में हालात थे और मध्य प्रदेश में एक बेहद बड़े निर्वाचन आयोग के नियम के अवहेलना हो रही है तो सवाल तो बड़ा है। सवाल के साथ साथ जिम्मेदारी जो सबसे बड़ी यह है कि शासन प्रशासन चुनाव आयोग के नियमन के पालन करे। तो जब कहा थे कि चुनाव आयोग के सरकारें नियमन के धज्जी उड़ाई तब फिर सोची कि यार नियम के पालन आखिर को करी। हालात यह कि 320 तहसीलदार नायब तहसीलदारन के यदि तबादला हो जात है तो उसे यदि निष्पक्ष चुनाव हो के संभावना ही तो काहे नहीं नियमन के पालन हो। सवाल बेहद बड़ा था। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद।